अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा उस्मान। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको हमेशा सच बात को दिखाया है और सच बात को ही जाहिर किया है और हमेशा झूठ का पर्दाफाश करने की कोशिश की है, इसी तरह इस बार भी सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की मौत की झूठी खबर की तस्दीक की लोगों ने, लेकिन मैं इस बात को जाहिर करूँगी कि वो आज भी ज़िंदा हैं और किस तरह से लोगों ने इसे कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। इस बात की सफाई देते हुए कि लोगों ने किस तरह से इसको कमाई का ज़रिया बनाया है, मैं आपको चंद वीडियोस दिखाना पसंद करूंगी। जैसा कि इन वीडियोस में आप देख सकते हैं, मोहम्मद बिन सलमान की मौत की खबर को इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। इस वीडियो में मोहम्मद बिन सलमान की शक्ल को मस्मार करके दिखाया गया है। जैसे कि नाक में रुई दिखाई गई है, चंद पैसे के लिए लोग मुख्तलिफ तरह तरह की वीडियो बनाते हैं और इनमें से जो मुसलमान हैं वो अल्लाह को हिसाब देंगे और गैर मुस्लिम आप जानते ही हैं कि उनका क्या हाल होगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत सी वीडियोस और पिक्चर्स इस बारे में दिखाई थी जिसे आपने पुरानी कह दिया, लेकिन अब एक ऑथेंटिक खबर के साथ मैं आपको बताऊंगी कि जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है वो आज भी जिंदा हैं। अरब न्यूज़ का देख सकते हैं कि अरब न्यूज़ की एक वेबसाइट है, इस पेज पर उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान की खबर को बताया है, जो कि खबर ये है, सऊदी क्राउन प्रिंसेस एंड फीफा प्रेसिडेंट डिस्कस वेज और स्ट्रेंथिंग कॉपरेशन। इस खबर में आप देख सकते हैं कि सऊदी शहजादा किस तरह से फीफा प्रेसिडेंट के साथ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं और तबादला ख्याल किया जा रहा है फुटबॉल के ऊपर। और इसका ये खबर जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 दिन पहले की बताई गई है। अगर आप लोग ये कहें कि इस तस्वीर कुछ फोटोशॉप किया हुआ है, ये मोहम्मद शहजादा मोहम्मद सलमान बिन नहीं है और इसके जो है फीफा का जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर इस तरह से नहीं आए, जद्दा में उनकी मीटिंग नहीं हो रही, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप ये अरब का जो है अरब न्यूज़ का दूसरा एक पेज देख सकते हैं जिसका नाम है अशराकुल अलवाफ, इसमें खबर को शाया किया गया है और इसके बाद आप देख सकते हैं आई ऑफ अल रियाज, इसमें भी इस खबर को जारी किया गया है कि किस तरह से जो है सऊदी शहजादा जद्दा में मीटिंग कर रहा है फीफा वर्ल्ड प्रेसिडेंट के साथ और ये खबर को जारी किया गया है। अगर आपको मेरी इन ऑथेंटिक बातों पर ये इन पेजेस पर भी यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको एक मोस्ट और लास्ट ऑथेंटिक बात बताना चाहूँगी कि ये आप देख रहे हैं सामने जो आपको पेज नज़र आ रहा है, ये एक इंडिया के अखबार का पेज है जिसका नाम है कैच न्यूज़। इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं जो हेडलाइंस आपको नज़र आ रही है कि इसमें सऊदी शहजादे के ऊपर उन्होंने ये बताया गया है कि डेथ ऑफ र्यूमर्स को किक आउट कर दिया है और किस तरह से फीफा के प्रेसिडेंट की मीटिंग जो है वो जद्दा में की जा रही है और फुटबॉल के खेल के ऊपर तबादला ख्याल किया जा रहा है और इंडिया के साथ साथ कहना है कि झूठी अफवाह को उन्होंने झूठा ही साबित कर दिया है। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि ये कैच न्यूज़ का है या नहीं, इंडिया का है या नहीं, तो हम आपको इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैच न्यूज़ जो है वो इंडिया की नहीं, न्यू दिल्ली की एक वेबसाइट है जहाँ पर जो है उन्होंने खबर दी हुई है कि कैच न्यूज़ जो है वो इंडिया की ही एक वेबसाइट है। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो की तरफ लेकर चलती हूँ, आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि इस वीडियो को आप देख लें, आप जूम आउट करके दिखाया जा रहा है और इसमें जो लाश दिखाई जा रही है, अब ये देखिएगा ये लेफ्ट साइड पर मुड़ेगी और इसको फिर जो है वो नीचे देखें, नीचे रखा जाएगा। मैं आपको इसी तरह एक दूसरी वीडियो की तरफ जानब लेकर चलती हूँ, इसमें या इस वीडियो में भी देख सकते हैं आप, ये जो वीडियो है इसके अंदर ये शाह सलमान है और ये मदब बिन अब्दुल्ला है और ये ऊपर वही ग्रीन लोगो है जो इसे पिछली वीडियो में दिखाया गया था। आप देख सकते हैं गाइस, ये जो वीडियो है ये इसको भी जूम आउट किया जा रहा है और इस वीडियो में भी देखें कि लेफ़्ट साइड पे इसको मोड़ा जा रहा है और अब ये देखें इसको नीचे की जानिब जो है वो ये रखा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शाह सलमान हैं, शाह सलमान जो हैं मोहम्मद बिन सलमान के बेटे, लेकिन ये दोनों जो वीडियोज़ हैं आपको नज़र आ रही हैं सेम है और मैं आपको बताती चलूँ कि ये किंग अब्दुल्ला की है जो साबका बादशाह थे सऊदी अरब के, शाह सलमान के बेटे की नहीं है बल्कि उनके भाई की है और इसमें लिखा हुआ भी है, देखें इसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वसल्लम अन हदत मोहम्मद बिन सलमान। ये वीडियो जो है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 2015 की है, जी बिल्कुल 3 साल पहले की वीडियो है ये। और नाज़रीन ये लाश जो है आपको दिखाई जा रही है,
अब आप खुद देख सकते हैं, आपको खुद पता है, मैंने आपको इतने प्रूफ दिए हैं, इतने सारा आपको मैंने जो है मुख्तलिफ पेजेस, ऑथेंटिक पेजेस, ऑथेंटिक साइट्स के ज़रिए मैंने अब आपको ये जो झूठ है इसको साबित कर दिया है कि ये झूठ है। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अभी भी ज़िंदा हैं और किस तरह से जो है वो अपने मुल्क को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, बल्कि एक ऑथेंटिक और तस्दीकशुदा बात को जो है वो लेकर चलें। और मैंने आपको प्रूफ के साथ जो है वो सब कुछ सच सच बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी गलतफहमी दूर हो चुकी होगी और हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए और इस पेज को जो है वो आप लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।